गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों का सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर तीसरा पार्ट है, जिसमें हम अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या जो हमने थेस थ्योरम पढ़ी थी उससे हम अपने आप को थोड़ा और आगे ले जाएंगे। तो मैं इस वाले पार्ट की शुरुआत करने से पहले आपको अभी तक आपने जो सीखा उसका मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, या जो आपने अभी तक सिमिलर ट्रायंगल में सीखा। सिमिलर ट्रायंगल में हमने अभी तक बस दो ही चीज़ सीखी है कि अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया जाए और वो ट्रायंगल में अगर हम कोई लाइन पैरेलल खींचते हैं तो वो पैरेलल लाइन जो है आपकी, अगर ये लाइन मेरी इसके पैरेलल होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा ए बी और ए सी समान रेशियो में बटेगा। समान रेशियो मतलब यह हुआ कि आपका ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू ए ई अपॉन ए सी के बराबर आएगी, या फिर ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू ए ई अपॉन ई सी के बराबर आएगी। ये तब होता है जब आपको डी ई पैरेलल टू बी सी दिया रहता है। इसके अलावा हमने ये चीज़ और सीखी कि अगर मेरा पहले से ही ये दो भाग जो हैं वो अगर मेरे बराबर रेशियो में बट रहे हैं, सेम प्रपोर्शन में बट रहे हैं, ये चीज़ अगर आपको पहले से दे तो इसका मतलब इससे आपका कन्वर्स क्या निकलता है, डी ई पैरेलल टू बी सी। कोई दिक्कत आपको यहां तक? यही चीज हमने अभी तक सीखी, ठीक है। और इसके ऊपर हमने बहुत ढेर सारे सवाल देखे, कौन साइक्लिक के, वो सब के जो आपने पिछले लेक्चर में देख लिए थे। तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूं और हम आज के चैप्टर में सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो सिमिलर ट्रायंगल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप भी इसे समझने की कोशिश करिए। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है क्या, हम इसे समझते हैं पहले। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है वो आपकी क्या कहती है, इसे समझने की कोशिश करिए पहले आप। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो तो उसको कोई एक लाइन अगर जा रही है तो वो उसको बराबर भागों में बांट रही है, इसी को हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ए सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी। आपका ए सी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी ए डी का। तो हमें एक चीज समझनी है कि एंगल बाइसेक्टर कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। तो आपको मालूम है एंगल बाइसेक्टर या तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा या तो इंटरनल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो हमें यह समझना है कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर कैसे दिखाएंगे और एंगल इंटरनल बाइसेक्टर कैसे दिखाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा जरा इस पे। अगर मेरे को ये ट्रायंगल दिया गया है, अगर मेरे को ये ट्रायंगल दिया गया है और मैं बोल रहा हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर मैं अंदर से इसको ले जा रहा हूँ, अगर मैं इसको अंदर से ले जा रहा हूँ और इसको यहाँ पे ये बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ए डी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। आपको मेरी बात समझ में आई? हमारा एक्सटर्नल बाइस इंटरनल बाइसेक्टर क्या होगा, जब हमें एंगल अंदर की तरफ से कट रहा हो तो हम उसे इंटरनल बाइसेक्टर कहेंगे। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर देखिए आपका क्या होगा, अगर मुझे ये ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और ए बी सी लिखा गया है और मुझे बोला गया है ए डी इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। अगर ए डी आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका ये हुआ कि आपका जो ये एंगल तो इंटरनल है, तो बाहर वाला एंगल हमारा कौन सा है, कुछ ये है,
ये हमारा बाहर वाला एंगल है, तो इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन, इसको जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन है वो ये वाले और ये वाले भाग को बराबर भाग में बांटेगी, और यहाँ पे आप लिखेंगे डी। तो ये हो गया आपका ए डी, और ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर। इसमें आपका ए डी एक्सटर्नल बाइसेक्टर है और इसमें आपका ए डी इंटरनल बाइसेक्टर है। तो मेरे ख्याल से आपको बाइसेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा, और बाइसेक्टर मतलब कि वो बराबर एंगल में उनको बांटेगा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, हम इसको समझते हैं पहले। तो मैं आपके सामने सबसे पहले एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इंटरनल बाइसेक्टर के दोनों डायग्राम बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा ये दोनों थ्योरम आपको क्या कहती है। ध्यान से समझिएगा आप। मैंने ये ट्रायंगल लिया, और मैंने ये ट्रायंगल लिया, ठीक। दोनों ट्रायंगल मैंने लिए और इनके अंदर ये मेरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर के लिए है और ये मेरा इंटरनल बाइसेक्टर के लिए है। आपको मालूम है कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसका मतलब आपको जो ये ए ए बी सी दिया गया है, इसमें आपको एक एडी लाइन दी गई है जो आपके इसके बाहर वाले एंगल को बराबर बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये मेरा बाहर हो गया और ये मेरा एडी हो गया। तो यहां पे आप लिखेंगे एडी इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एडी इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। एडी आपका क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, या एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए। एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला ये होगा, अंदर वाला ये होगा। तो एडी आपको एक्सटर्नल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मैं इन दोनों को नाम दे देता हूं वन और टू। तो इसका मतलब अगर मेरा एडी उनको एंगल बाइसेक्टर कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा एंगल वन और एंगल टू मेरा क्या है, बराबर है। एंगल वन और एंगल टू मेरा क्या है, बराबर है। अब आप देखिए आपको एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम कहती क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है जब भी आपको ये दोनों जो मैं अभी थ्योरम आपको बता रहा हूं, ये ध्यान से समझिएगा। मेरे को प्रूफ ये करना है कि अगर मेरा एडी एक्सटर्नल बाइसेक्टर करता है, तो मेरी एबीसी मेरा ट्रेंगल है, एबीसी मेरा ट्रेंगल है, तो एबीसी में मेरी दो सामने वाली साइड क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ठीक, ए बी अपॉन ए सी। अब डी मेरा, डी मेरा एडी जो है वो मेरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ए बी में आपका बी है और ए सी में आपका सी है। तो ये डी से कितनी कितनी दूरी पे है, अगर मैं ए बी की बात करूं तो बी मेरा डी से कितनी दूरी पे है, बी डी, और सी मेरा कितनी दूरी पे है, सी डी। ये होती है आपकी एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। अब आइए आप इस पे ध्यान से देखिए इसको। अगर मेरे को ये ट्रायंगल दिया गया है और मेरे को ये लाइन दी गई है जो ए को इंटरनली बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब मेरा एडी बाइसेक्ट कर रहा है, और एडी अगर मेरा बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक? और यहां पे फिर आपको ये दोनों साइड कौन सी है, अगल बगल वाली, ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसकी दोनों जो साइड है एंगल ए की वो ए बी और ए सी है। यहां पे एंगल ए की साइड कौन सी है, ए बी और ए सी। तो आपको ए बी अपॉन ए सी यहां पे भी मिला, और आपको अब देखना है बी की दूरी डी से कितनी है, बी डी, और सी की दूरी डी से कितनी है, सी डी। ये हो गया आपका इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो यही दोनों थ्योरम आपको प्रूफ करनी है और मैं आपको अलग अलग करके
इन थ्योरमों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये दोनों थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देख लीजिए कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको समझना ये है कि एंगल ए को अगर वो एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है तो उसकी एक लाइन बाइसेक्ट करने वाली बीसी को बाहर जाके मिलेगी, इंटरनली वाली अंदर ही मिलती है, एक्सटर्नली वाली बाहर जाके मिलेगी। तो एंगल ए की दोनों साइड कौन सी है ट्रायंगल में, ए बी और ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी लिख दिया। ए डी मेरा बाइसेक्टर है, बी डी और सी डी आपको आंसर आ गया। ए बी अपॉन ए सी, बी डी है मेरा, तो बी डी अपॉन सी डी इंटरनली बाइसेक्टर आपका हो गया। तो आइए हम लोग सबसे पहले अब एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम को देखते हैं कि ये चीज हमारी आई कैसे। ये चीज आप समझ गए, कोई दिक्कत? देखिए आप, मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल को बाहर मैंने ऐसे दिखा दिया और यहां पे मैंने एक लाइन दिखा दी ऐसे, ठीक, और मैंने ये नाम दे दिया ए बी सी डी और यहां पे मैंने नाम दे दिया 1 और 2, ठीक। और आपको बता रखा है क्वेश्चन में कि ए डी इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए जो है आपका उसके बाहर वाले पार्ट को वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम देखते हैं। तो आपको सबसे पहले इसको जो आपको प्रूफ करना था, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू आपके बी डी अपॉन सी डी के बराबर होगी, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है और यही आपकी एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो इसको प्रूफ करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, ए डी जो आपकी लाइन है इसके पैरेलल में एक इन्होंने लाइन खींची और इस लाइन को नाम दिया सी ई। तो आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, आपने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन किया और वो कंस्ट्रक्शन क्या किया, सी ई इज पैरेलल टू ए डी। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। आपने सी ई को ए डी के पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर ए डी मेरा सी ई के पैरेलल है, अगर मेरा ए डी सी ई के पैरेलल है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो टू है वो आपका इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब एंगल टू जो आपको ये दिख रहा है, एंगल टू आपका क्या है, डी ए सी, और ये वाला क्या है, ई सी ए। तो आप बोलेंगे डी ए सी इक्वल टू ए सी ई, और कारण क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइन के अल्टरनेट एंगल्स हैं। दूसरा आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये एल है, तो मैं बोलूंगा एंगल एल ए डी जो आपका एंगल वन है वो आपका किसके बराबर है, इसके बराबर। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों मेरी पैरेलल लाइन होंगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो इसका मतलब आपका ये कौन सा है, एल ई सी। कोई दिक्कत? तो आपको ये भी मिल गया किस कारण से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देख लिया कि आपने कुछ नहीं किया, आपने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करी सीई की और उसके बाद आपने ये देखा कि मेरा जो एंगल टू है वो इस वाले एंगल टू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, और ये एंगल वन इस वाले एंगल वन के बराबर होगा क्योंकि वो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं, हमें ये प्रूफ करना है, हमारे दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। अब मैं आपका ध्यान ले जाता हूं ट्रायंगल एबीडी की तरफ। ध्यान से देखिए आप, ट्रायंगल एबीडी की तरफ अगर मैं आपका ध्यान ले जाऊं तो ट्रायंगल एबीडी में हमें सीई पैरेलल टू एडी मिल रहा है, सीई पैरेलल टू एडी मिल रहा है, ठीक है। और अगर सीई पैरेलल टू एडी मिल रहा है तो इसका मतलब मेरी सीई लाइन ये रही और एडी लाइन ये रही। तो मैं अगर यहां से बीडी अपॉन सीडी लेता हूं, बीडी अपॉन सीडी लेता हूं, तो यहां से अगर मैं बीडी ले रहा हूं तो वहां से मुझे क्या लेना होगा, ए बी। ट्रेंगल ए बी डी की बात हो रही है हमारी, ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी है और ये ई है, ये लाइन आपकी इसके पैरेलल दी गई है,
ठीक, अगर आपकी सीई लाइन एडी के पैरेलल है और आप यहां से बीडी ले रहे हैं तो यहां से क्या लेना होगा? एबी। और अगर आप यहां से सीडी ले रहे हैं तो यहां से क्या लेना होगा? एई। क्या हमारा आंसर आया अभी? हमारा आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि हमें चाहिए क्या? एसी चाहिए, और हमें दिया क्या है? एई। अब आप क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगर मैं आपका ध्यान ट्रेंगल एईसी की तरफ ले जाऊं, तो ट्रेंगल एईसी में आपको ध्यान से समझिएगा, एंगल वन और एंगल टू क्या हमारे बराबर हैं? हमें मालूम है कि एंगल एडी हमारा एक्सटर्नल बाइसेक्टर है एंगल वन का, तो इसका मतलब एंगल वन और एंगल टू हमारे बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल वन और एंगल टू बराबर होंगे। तो ट्रेंगल एईसी में अगर एंगल वन और एंगल टू बराबर हैं, तो इनके सामने वाली साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब टू के सामने वाली साइड क्या है? एई, और वन के सामने वाली साइड क्या है? एसी। तो इसका मतलब ट्रायंगल एईसी में आपका एई एसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपका एंगल वन एंगल टू के बराबर है। आपका एंगल वन एंगल टू के बराबर होने के कारण एई एसी के बराबर आ गया, और आपकी थ्योरम निकल गई। क्या? एई को आप रिप्लेस कर देंगे किससे? एसी से। तो आप देख लिए कि एई अपॉन एसी जो था आपका, उससे आपका ये आंसर आ गया। बस हमें करना क्या था? जो ये एसी है, जो हमारा एई आया था, वो एसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि एंगल वन एंगल टू के बराबर है। तो ये थी आपकी एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। और रिजल्ट के ऊपर हमें मेन ख्याल रखना है, तो रिजल्ट हमारा क्या कहता है? रिजल्ट हमारा ये कहता है कि अगर हमें कोई भी ट्रायंगल दिया रहे और उसकी बाहर की साइड अगर एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और आपको ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू, अब क्योंकि मेरा ए डी बाइसेक्टर है, तो बी से डी की दूरी कितनी? बी डी, और सी की दूरी कितनी? सी डी। ये हो गई आपकी एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। अब आइए आप इंटरनल बाइसेक्टर पे, ध्यान से समझिएगा इंटरनल बाइसेक्टर को, ए बी सी। ठीक, कोई दिक्कत आपको यहां तक? आपको ए बी सी दिया गया है, और मेरी ए डी लाइन बाइसेक्ट कर रही है इंटरनली, इसका मतलब ये वन और ये टू, और आपको एंगल वन इक्वल टू एंगल टू दिया हुआ है। ए डी आपको इंटरनली बाइसेक्ट कर रही है, क्वेश्चन में बोला है ये, ए डी इज इंटरनल बाइसेक्टर, ए डी इज इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक, अब आपको इसे प्रूफ करना है। तो इसमें भी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक पैरेलल लाइन खींची थी, यहां पे भी हम ए डी के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं। ए डी के पैरेलल आप लाइन अगर खींचेंगे और इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये कुछ एक पॉइंट पे मिलेगी, जिसे हम नाम दे देते हैं ई का। क्या नाम दे दिए हम? ई। और ये आपको सी दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी यहां पे? हमने कंस्ट्रक्शन ये करी, हमने एक सीई लाइन खींची है पैरेलल टू एडी। अब आप मुझे बताइए, अगर ये अगर मेरी एडी लाइन सीई के पैरेलल है, तो ये एंगल टू इसके बराबर होगा अल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल वन इसके बराबर होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपका ये एंगल वन और ये एंगल वन बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल है। तो ये एंगल वन इसके बराबर और ये एंगल टू इसके बराबर। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम चलते हैं सीधे ट्रायंगल ई बी सी पर। जैसे ही आप ट्रायंगल ई बी सी पे पहुंचेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? अपने हमें प्रूफ हमेशा देख लेना चाहिए कि करना क्या है। तो प्रूफ आपको इंटरनल बाइसेक्टर में आपको क्या प्रूफ करना था? ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी, बी की दूरी डी से कितनी है? बी डी, और सी की दूरी डी से कितनी है? सी डी।
ये आपकी इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है जो आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैं ट्रेंगल ई बी सी में अगर मेरी ए डी लाइन सी ई के पैरेलल है, तो इसका मतलब ट्रेंगल ई बी सी में मेरा बी डी अपॉन सी डी किसके बराबर होगा। अब अगर मैं यहां से बी डी ले रहा हूं, तो यहां से मुझे कितना लेना होगा, बी ए, और यहां से मैं अगर सी डी ले रहा हूं, तो मुझे यहां से क्या लेना होगा, ए ई। ठीक, अब हमें ए बी भी मिल गया, बी डी भी मिल गया, सी डी भी मिल गया, बी डी मिल गया, सी डी मिल गया, ए बी मिल गया, तो मुझे ए सी जो है वो मेरा ए ई के बराबर होना चाहिए, तभी मेरा ये चीज प्रूव होगा। तो हम देखते हैं क्या ए सी ए ई के बराबर है। ए सी ये रहा, ए ई ये रहा, तो मैं आपका दिमाग ट्रेंगल ए ई सी की तरफ अगर ले जाऊं, तो ट्रेंगल ए ई सी में अगर मेरा एंगल वन एंगल टू के बराबर है, जो मुझे पहले से ही क्वेश्चन में बोला गया है, तो एंगल वन अगर एंगल टू के बराबर है, तो ट्रेंगल ए ई सी में एंगल वन के सामने वाली साइड क्या है, ए सी, और एंगल टू के सामने वाली साइड क्या है, ए ई। इसका मतलब ए ई आपका ए सी के बराबर है। और जैसे ही आपका ट्रेंगल ए ई सी में ए ई ए सी के बराबर आया, आपका आंसर आ गया बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। मैंने ए ई को ए सी में बदल दिया। तो यही आपकी दो थ्योरम थी जो आप एकदम अच्छे से अब समझ गए। ठीक है, तो मैं आपको अभी तक आपने क्या समझा, दोनों थ्योरम का प्रूफ आपने समझा कैसे हुआ, और आपने ये देखा कि अगर मेरा ट्रायंगल बाहर की तरफ बाइसेक्ट करता है, और अगर मेरा ट्रायंगल अंदर की तरफ बाइसेक्ट करता है, ए बी सी डी, और यहाँ पे आपका ये बाइसेक्टर है, ये एक्सटर्नल है और ये आपका इंटरनल है। ठीक है, तो एक्सटर्नल में आपने देखा कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, तो हमारी ए की सामने वाली दोनों साइड क्या है, ए बी अपॉन ए सी, तो हमारा बी डी से कितनी दूरी पे है, बी डी, और सी कितनी दूरी पे है, सी डी। कोई दिक्कत, अब इस पे आ जाइए, ए बी अपॉन ए सी, बी डी से कितनी दूरी पे है, बी डी, और सी डी से कितनी दूरी पे है, सी डी। यही दो थ्योरम है जो आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। कोई दिक्कत आपको यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए तो फिर अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनके ऊपर देखते हैं, ताकि आपको अपनी इस थ्योरम पे कमांड हो जाए। ठीक है, आइए, तो आपके सामने ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने पी क्यू की लाइन आपके ए सी के पैरेलल दे रखी है, एक चीज, और दूसरी चीज आपको दे रखी है बी डी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ, बी डी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। बी डी आपका इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल बी का, ये आपको दिया हुआ है, और आपको ये दोनों चीज प्रूफ करनी है। अब ध्यान से सबसे पहले पार्ट पे आप देखिए कि ये आप क्या प्रूफ करना है। देखिए आपको पी आर कहाँ दिख रहा है, ये रहा, बी क्यू कहाँ दिख रहा है, ये रहा, क्यू आर कहाँ दिख रहा है, ये रहा, और बी पी कहाँ दिख रहा है, ये। तो आपको सारी चीजों से ये लग रहा है कि ये पूरे के पूरे जो टर्म है जो पहले में मेरे पूछे गए हैं, वो ट्रेंगल बी पी क्यू में है, ट्रेंगल बी पी क्यू में है मेरे ये सारे टर्म। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेंगल बी पी क्यू को बाहर निकाल लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने ट्रेंगल बी पी क्यू को बाहर निकाल लिया, ये मेरे को बी दिया हुआ है, ये पी दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, और ये क्यू दिया हुआ है। ठीक है, बी आर अगर मेरा बी डी बाइसेक्टर है, तो मेरा बी आर भी बाइसेक्टर होगा। आपको ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब देखिए, बी का बाइसेक्टर है, तो बी की दोनों लाइन कौन सी हैं, बी क्यू और बी पी, तो मैं ये लिख सकता हूं बी क्यू अपॉन बी पी इक्वल टू, अब क्योंकि ये मेरा बाइसेक्टर है, तो इस बाइसेक्टर की दोनों साइड कौन सी है ट्रायंगल बी पी क्यू में, बी पी और बी क्यू। तो बी क्यू अगर मैं ले रहा हूं, तो बी क्यू अपॉन बी पी। अब अगर मेरा बी आर बाइसेक्टर है, तो क्योंकि क्यू मेरा आर से कितनी दूरी पे है, क्यू आर की दूरी पे, और मेरा पी आर से कितनी दूरी पे है,
पी आर की दूरी पे। ये चीज आपको मिलेगी, इसको हम लोग कहेंगे इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, जिससे आपको ये प्रूफ हो गया कि आपका बी क्यू अपॉन क्यू आर की वैल्यू बी क्यू अपॉन बीपी की वैल्यू क्यू आर अपॉन पी आर के बराबर आएगी, जो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब देखिए क्या आपकी वो चीज आ रही है, पी आर और बी क्यू मल्टीप्लाई में है, क्यू आर और बीपी मल्टीप्लाई में है, पी आर और बी क्यू मल्टीप्लाई में है, बीपी और क्यू आर मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब आपका पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत आपको यहां तक? आइए अब दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट देखिए आपको क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था ए बी इंटू सी क्यू आपको प्रूफ करना है बी सी इंटू ए पी के बराबर, ठीक है। ए बी, अब देखिए आप पहले ए बी कहां है, ये रहा ए बी, सी क्यू कहां है, ये रहा, बी सी कहां है, ये रहा, और ए पी कहां है, ये रहा। तो इसका मतलब मुझे इसके लिए एक बड़ा वाला ट्रायंगल अगर मैं लूंगा तभी मेरा काम बनेगा। तो मैं ट्रायंगल बीएसी की तरफ आपका ध्यान ले जाता हूं, और ट्रायंगल बीएसी की तरफ आप जब जाएंगे, ट्रायंगल बीएसी में आप जब जाएंगे तो आपको पीक्यू लाइन मिल रही है एसी के पैरेलल, पीक्यू लाइन मिल रही है एसी के पैरेलल। अब देखिए आपको एबी और बीसी कहां दिख रहा है, ये रहा एबी और ये रहा एपी। तो अगर मैं ए बी अपॉन ए पी लूं, ध्यान से देखिएगा आप, ए बी अपॉन ए पी लूं और मेरी ये पी क्यू लाइन ए सी के पैरेलल है, तो मैं अगर ए बी ले रहा हूं तो यहां से मुझे क्या लेना होगा, बी सी, और अगर मैं ए पी ले रहा हूं तो यहां से मुझे क्या लेना होगा, क्यू सी। आपका आंसर आ गया और यहां पे आपने लगा दी थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर कोई लाइन हमारी पैरेलल खींची गई है, अगर कोई लाइन हमारी पैरेलल खींची गई है तो वो दोनों साइड को बराबर रेशियो में बांटती है। तो अगर मैं यहां से ए बी लूंगा तो यहां से मुझे बी सी लेना होगा, यहां से ए पी लूंगा तो यहां से मुझे क्यू सी लेना होगा। आपके थेल्स थ्योरम से देखिए दूसरा वाला पार्ट भी आपका प्रूव हो गया, ए बी इंटू क्यू सी और बी सी इंटू ए पी, जो आपको यहां पे प्रूफ करना था। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं जो आपने अभी समझा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और एडी एक बाइसेक्टर दिया हुआ है एंगल ए का, और आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी आपका एबी अपॉन एसी के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए इन लोगों ने यह किया कि एरिया के लिए हमें हमेशा बेस और हाइट चाहिए रहती है, हमें पता है हमें हमेशा क्या चाहिए रहती है, बेस और हाइट। तो मैंने क्या किया, अपने मन से एक कंस्ट्रक्शन कर दी, एक ए एल लाइन मैंने खींची और इसको मैंने बी सी के परपेंडिकुलर खींच दिया। अब आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अगर मैं ए बी डी लूंगा तो मेरा बी डी बेस होगा, ए बी डी में मेरा बी डी बेस है और ए एल परपेंडिकुलर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आपका क्या हो गया, हाफ इंटू बी डी इंटू ए एल। कोई दिक्कत आपको यहां तक? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आपका क्या हो गया, हाफ इंटू बी डी इंटू ए एल। आगे आइए, अगर मैं ट्रायंगल ए सी डी की बात करूं तो ट्रायंगल ए सी डी में आपका बेस क्या है, सी डी। देखिए आपका बेस क्या है, सी डी, तो हाफ इंटू सी डी। अब मेरे को परपेंडिकुलर क्या देखना होता है, अगर मैं ट्रायंगल एसीडी लिया हूं तो सीडी मेरा बेस है और सीडी बेस पे मेरा परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से कौन सा गिर रहा है, एएल। एएल मेरा परपेंडिकुलर गिर रहा है, सीडी को जब मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूंगा तो मेरे को एएल परपेंडिकुलर मिलेगा, और सीडी ही लेंथ लेनी है क्योंकि सीएल मेरी लेंथ नहीं होगी क्योंकि मेरे को ट्रायंगल एसीडी दिया गया है। तो ट्रायंगल एसीडी में सीडी आपकी क्या हो गई, बेस हो गया, और एएल आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब आप देख रहे हैं कि आपका हाफ से हाफ कट जाएगा और AL से AL कट जाएगा और आपको बचेगा क्या, BD अपॉन CD, ये आपको बच रहा है। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है कि ये आपका AB अपॉन AC के बराबर है। तो मैं आपका ध्यान ले जाता हूं अब ये वाली जो चीज हमें दी गई है इसके ऊपर। और ये जो चीज दी गई है, अगर मेरा AD बाइसेक्टर है, किसका, ट्रेंगल ABC में मेरा अगर AD बाइसेक्टर है, तो ट्रेंगल ABC की तरफ मैं अगर ध्यान दूं, तो AA का मेरा बाइसेक्टर है, तो मेरी दोनों साइड क्या हो गई, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। और अगर मेरा AD बाइसेक्टर है तो AB की लेंथ D से कितनी दूरी पे है, BD, और AC की लेंथ D से कितनी दूरी पे है, CD। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे BD अपॉन CD आया था, जो आपका यहाँ पे BD अपॉन CD आया था, वो असल में किसके बराबर है, AB अपॉन AC के बराबर। क्यों? क्योंकि ये हमारी इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। तो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम की वजह से आपका BD अपॉन CD किसके बराबर आ गया, AB अपॉन AC के। और यही आपको प्रूफ करना था। कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आ गया ये अगले क्वेश्चन पे। तो आपके सामने ये नया क्वेश्चन, एक देखिए जरा ध्यान से इसको। इन्होंने बोला है कि AE लाइन आपकी एक्सटर्नल बाइसेक्टर है और AD लाइन आपकी इंटरनल बाइसेक्टर है, और ये दोनों बाइसेक्टर किसके हैं, एंगल ए के, जो आपको दिया हुआ है। और आपके पास ट्रायंगल कौन सा है, ABC। आपको एक ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसमें एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर AE है और इंटरनल बाइसेक्टर AD है। और आपको प्रूफ क्या करना है, BD इंटू CE इक्वल टू BE इंटू CD, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से देखिए, हम दोनों का इस्तेमाल करके चीजें निकालते हैं। आप को अगर AE एक्सटर्नल बाइसेक्टर दिया है और AD इंटरनल बाइसेक्टर दिया है, तो इनसे क्या क्या चीज निकलेगी आप ये समझिए। अगर मेरे को AE बाइसेक्टर दिया हुआ है, ट्रेंगल मेरा ABC है, तो इसका मतलब AE एक्सटर्नल बाइसेक्टर से आपके AB अपॉन AC की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, AB की लेंथ E से कितनी दूरी पे है, BE, और C की लेंथ AC दिया हुआ है, तो AC में C मेरा कितनी दूरी पे है, CE। ये हो गई आपकी एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम जो मैंने AE पे लगाई। अब आइए आप AD पे। अगर मेरा AD इंटरनल बाइसेक्टर है, AD मेरा अगर इंटरनल बाइसेक्टर है, तो मेरे AB अपॉन AC की वैल्यू कितनी होगी, ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं मैं, और AD मेरे को इंटरनल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो AB अपॉन AC में अगर मेरा D इंटरनल बाइसेक्टर है, तो B की दूरी D से कितनी दूरी पे है, BD, और C की दूरी कितनी है, CD। यहां तक कोई दिक्कत आपको? अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं, तो मैं देख रहा हूं AB अपॉन AC और AB अपॉन AC आपका BE अपॉन CE और BD अपॉन CD के बराबर है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि BE अपॉन CE आपका BD अपॉन CD के बराबर होगा, ठीक है? और आप देखिए आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि BD और CE मल्टीप्लाई में है और BE और CD मल्टीप्लाई में है, BE और CD मल्टीप्लाई में है और BD और CE मल्टीप्लाई में है, जो आपको प्रूफ करना था आपका प्रूफ हो गया। इस टाइप से आपके सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चन हुए, और आप देख रहे हैं कि इनमें कुछ कठिनता नहीं है। आपको बस यही देखना है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है, और हमारा ध्यान हमेशा वहां रहना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा जाए उसी चीज की तरफ हमें ध्यान देना है और अपना आंसर निकालना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। आपको एक ट्रायंगल ABC दिया गया है, ठीक है? और इस ट्रायंगल ABC में OD, OE और OF आपके एंगल AOB के, एंगल AOB के, BOC के और AOC के बाइसेक्टर हैं ये, ठीक है? तो आपको प्रूफ करना है ये वाला चीज। तो आप देख जरा ध्यान से देखिए कि ये AD BE CF है क्या, AD BE CF, फिर उसके बाद BD BE और AF।
ये आपको चीज़ें मिल रही हैं। और आपको OD एक बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर दिया है, OE एक एंगल बाइसेक्टर दिया है, और OF एक एंगल बाइसेक्टर दिया है। तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जो मुझे पहले दिख रहा है मैं उसी का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने ट्रेंगल AOB पकड़ा एक, ट्रेंगल BOC पकड़ा एक, और ट्रेंगल AOC पकड़ा एक। अगर मैं AOB पे आऊँ तो AO ट्रेंगल AOB में मेरी O की बाइसेक्टर है OD, ट्रेंगल AOB में मेरा OD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल AOB का। तो इसका मतलब OD अगर बाइसेक्टर है तो मेरी दो साइड कौन सी है, AO अपॉन BO। इसका मतलब AO अपॉन BO की वैल्यू किसके बराबर हो गई। अब AO ले रहा हूं तो एक A की दूरी कितनी है, D AD, और BO ले रहा हूं तो B की दूरी कितनी है, BD। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरे पे, ट्रेंगल BOC में। अब ट्रेंगल BOC की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो BO और OC, अगर BOC में मेरा O का बाइसेक्टर OE है तो BOC में O की साइड कौन सी है, BO और OC। तो हम करेंगे BO अपॉन OC इक्वल टू BE अपॉन EC। B की दूरी कितनी है, E, और C की दूरी कितनी है, E, BE अपॉन CE। आगे देखिए, ट्रेंगल AOC पे आइए आप। ट्रेंगल AOC में अगर मैं AO अपॉन OC लूं, ठीक है, AO अपॉन OC लूं, तो आपको क्या मिलेगा, AF अपॉन FC। ये तीन चीज आपको मिली, कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं कि हमें ये चीज जो निकालनी है, देखिए आपको AD BE CF DB EC FA, AD BD AD AD मिल गया, BD मिल गया, BE मिल गया, CE मिल गया, CF मिल गया और AF मिल गया। तो इसका मतलब आपका आंसर अब इन्हीं तीनों से आना है। तो हमें इन तीनों में क्या करना होगा, आप यहां पे ध्यान दीजिए जरा एक बार। AO अपॉन BO, BO अपॉन OC, और यहां पे अगर AO अपॉन BO है, हमारा एक बार BO डिनोमिनेटर में है तो दूसरी बार न्यूमरेटर में आ गया। OC अगर मेरा डिनोमिनेटर में है तो यहां पे मेरे को न्यूमरेटर में करना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और मैं इसको कर देता हूं OC अपॉन OA। अगर मैं OC ऊपर ले जाऊंगा तो FC मेरा ऊपर चले जाएगा, FC अपॉन AF। ये यही चीज है, बस मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। अब देखिए आप, एक बार AO ऊपर है, एक बार AO नीचे है, एक बार BO नीचे है, एक बार BO ऊपर है, एक बार OC नीचे है, तो एक बार OC ऊपर है। तो मैं पहले, दूसरे और ये मेरा मान लीजिए तीसरा है, मैं इन तीनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे AO अपॉन BO पहला इंटू BO अपॉन OC इंटू OC अपॉन OA, मेरा LHS पूरा मल्टीप्लाई हो गया, RHS भी मल्टीप्लाई कर दिए, AD अपॉन BD इंटू BE अपॉन CE इंटू FC अपॉन AF। क्योंकि हमने तीसरा ये वाला लिया है इसीलिए मैंने ये चीज पकड़ी। कोई दिक्कत आपको? अब आप देख रहे हैं, OC से OC कैंसिल, OB से OB कैंसिल, OA से OA कैंसिल, तो आपके यहां पे सारा कैंसिल होके क्या आ गया, वन आ गया। क्या आ गया, वन आ गया। तो आपका वन इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, वन इक्वल टू AD इंटू BE इंटू FC अपॉन BD इंटू CE इंटू AF। अब क्योंकि यहां पे वन है तो मैं ये पूरी चीज इधर एक में मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा BD इंटू CE इंटू AF इक्वल टू AD इंटू BE इंटू FC। और मेरे ख्याल से यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। देखिए AD BE CF और DB EC FA, DB EC FA आपका प्रूफ हो गया। देखिए आपने कुछ भी नहीं किया, जो चीज आपको दी गई थी आपने वही चीजें देखी, कौन सा ट्रायंगल लेना है, कैसे आंसर निकालना है, आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलें, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में देख लीजिए आप।
मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कुछ ये है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। आपको एडी लाइन इंटरनल बाइसेक्टर दे रखी है ट्रायंगल एबीसी में, और एंगल ए और एंगल ई आपको 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और आपको कुछ ये जो चीज दी गई है ये आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको ये ए बी और ए सी कहाँ मिल रहा है। ए बी ये रहा, ए सी ये रहा, और ए डी मुझे इंटरनल बाइसेक्टर दे रखा है। तो मैं सबसे पहले इंटरनल बाइसेक्टर का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करके कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपका अगर ए डी इंटरनल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब मेरे ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू किसके बराबर होगी? बी डी अपॉन सी डी के बराबर होगी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने लगा दी, ए बी अपॉन ए सी बी डी अपॉन सी डी, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में ए बी प्लस ए सी दिख रहा है, तो इसका मतलब ए बी जो है ये वाला, इसके साथ ए सी प्लस होना चाहिए। इसके साथ ए सी मेरा क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ए बी अपॉन ए सी में यहाँ पे भी प्लस वन कर दिया, और बी डी अपॉन सी डी में यहाँ पे भी प्लस वन कर दिया। जब मैं दोनों तरफ प्लस वन करूंगा तो ये ए सी का एलसीएम ए सी आएगा, तो ये ए सी ऊपर हो जाएगा और आपका आ जाएगा ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा, बी डी प्लस सी डी अपॉन सी डी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ए बी प्लस ए सी दिख रहा था जो मुझे प्रूफ करना है, इसीलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। और यहां पे आपने इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम लगाई है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो आपको ए बी और ए सी, ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी, बी डी प्लस सी डी अपॉन सी डी। तो हम देख रहे हैं कि बी डी और सी डी को जोड़ने पे हमें बी सी मिल रहा है, तो मैं इसको कर देता हूं बी सी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, आपको वहां पे क्या दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी करूं और यहां पे क्वेश्चन में देखूं कि क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में आप अगर ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी करेंगे तो ए सी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, ए बी। और आपका ए बी प्लस ए सी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, डी ई। कुछ ये आपको प्रूफ करना है जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मैंने इसी चीज को जब थोड़ा सा रीअरेंज किया तो मुझे कुछ ये मिला, और मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। इसका मतलब आपका ये बी सी अपॉन सी डी अगर ए बी अपॉन डी ई के बराबर हो जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं देखता हूं कि मैं क्या करूंगा, और मैं आपका ध्यान अगर इसकी तरफ ले जाऊं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप देखिए बी सी कहां पे है, बी सी ये रहा, सी डी कहां पे है, ये रहा। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में सीधे आना चाहिए कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी ई डी की तरफ मुझे ध्यान देना है, और क्योंकि ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी के ऊपर है तो मैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी ई डी को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए मैं जब कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। आइए हम लोग ट्रायंगल ए बी सी की तरफ ध्यान देते हैं और ट्रायंगल सी ई डी की तरफ ध्यान देते हैं। हम देख रहे हैं कि एंगल ए और एंगल ई, आपका एंगल ए और एंगल ई बराबर है क्योंकि दोनों के दोनों आपके क्या हैं, 90 डिग्री, ठीक है। दोनों के दोनों आपके क्या हैं, 90 डिग्री। आगे देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में आपका एंगल सी है और ट्रायंगल सी ई डी में भी आपका एंगल सी है, और ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं, कॉमन। बचा क्या, अगर ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएं तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल डी के। तो यहां पे आपकी ए ए ए सिमिलैरिटी लग गई। अगर हम ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर प्रूफ कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है। तो
तो यही आपकी ए सिमिलैरिटी है। तो आप कैसे लिखेंगे? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ए का पास किसको लिखना होगा? ई को। सी के पास, बी के पास किसको लिखना होगा? डी को। और सी के पास किसको लिखना होगा? सी को। इसका मतलब आपका ट्रायंगल ए बी सी ई डी सी के सिमिलर है। ये चीज मैंने आपको बताई देखने के लिए कि आप कैसे प्रूफ करेंगे, लेकिन आप जब लिखेंगे तो उसको इस टाइप से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एंगल ए एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, और एंगल सी एंगल सी के बराबर है। अब आइए, आपको निकालना क्या है? बी सी अपॉन सी डी, है ना। देखिए, अब अगर मैं यहां से बी सी लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा? डी सी। अगर मैं यहां से ए बी लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा? ई डी। तो ये देखिए, ये आपकी सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गया कि बी सी अपॉन सी डी की वैल्यू किसके बराबर है? ए बी अपॉन ई डी के। और यही चीज हमें कुछ प्रूफ करनी थी कि ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी जो है वो बी सी अपॉन सी डी के भी बराबर है, और हमने अभी दिखाया कि बी सी अपॉन सी डी आपका ए बी अपॉन ई डी के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये ए बी अपॉन ई डी में बदल गया और आपका प्रूफ हो गया। ई डी का मल्टीप्लाई ई बी प्लस ए सी में ये रहा, और ए सी का मल्टीप्लाई ए बी में ये रहा। यही आपको प्रूफ करना था जो आपने देख लिया। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं किया, सबसे पहले आपने इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम लगाई, उसके बाद आप देखे कि ए बी प्लस ए सी लाना है तो आपने प्लस वन किया और ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी कर दिया। उसके बाद आप सीधे क्वेश्चन पे गए तो ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी आपने देखा कि ए बी अपॉन डी ई के बराबर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे बी सी अपॉन सी डी मिल रहा था, ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी। तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मेरा बी सी अपॉन सी डी अगर ए बी अपॉन डी ई के बराबर हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो आपने बी सी और सी डी वाली जो चीज़ देखी वो रेशियो वाली है, तो आपने ट्रेंगल कौन सा पकड़ा? ट्रेंगल सी ई डी और ट्रेंगल बी ए सी, और दोनों को आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया इस तरीके से, उनको तीनों एंगल सिमिलर दिखा के। जैसे ही आपके तीनों एंगल सिमिलर आ गए, उसके बाद आपने देखा कि आपको लाना क्या है? बी सी अपॉन सी डी। तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ से बी सी लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा? सी डी। यहाँ से अगर ए बी लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा? ई डी। तो आपका बी सी अपॉन सी डी ए बी अपॉन ई डी के बराबर आ गया, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ए बी सी, और इस ट्रायंगल में आपको बोला गया है कि ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब आपको ए डी इक्वल टू डी बी दिया गया है, ठीक है, और इन्होंने बोला कि डी से हमने एक लाइन पैरेलल खींची है, ई आपका डी ई पैरेलल टू बी सी है। आपको ये दो चीज दी गई है और आपको प्रूफ करना है कि ए ई की वैल्यू ई सी के बराबर होगी। ए ई की वैल्यू किसके बराबर होगी? ई सी के बराबर होगी। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे इसको? सबसे पहले तो आप देखिए कि ए डी और डी बी आपको कहाँ दिख रहे हैं। ये रहा ए डी, ये रहा डी बी, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हमें डी ई बी सी के पैरेलल दिया हुआ है, इसका मतलब ये रहा डी ई और ये रहा बी सी। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मैं आपका ध्यान। ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी की तरफ मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं, और आप देखिए आपको क्या मिलेगा। जब आप ट्रायंगल ए डी ई की तरफ पहुंचेंगे और आपको डी ई लाइन बी सी के पैरेलल दी है, तो इसका मतलब ये अगर एंगल वन है तो ये एंगल वन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल टू है तो ये एंगल टू होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये रहा एंगल ए। तो ट्रायंगल ए डी ई में मेरा एंगल ए और ट्रायंगल ए बी सी में मेरा एंगल ए बराबर है, कॉमन। ट्रायंगल ए डी ई में मेरा एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर है ट्रायंगल ए बी सी में, और ट्रायंगल ए डी ई में जो मेरा एंगल ई है वो मेरा बराबर है किसके? एंगल सी के। तो
आप देख रहे हैं कि आपको ट्रेंगल ADE किसके सिमिलर मिल गया, ट्रेंगल ABC के। ADE किसके सिमिलर मिल गया, ABC के। अब देखिए, अगर मैं यहां से AD लेता हूं तो वहां पे मुझे क्या लेना होगा, AB। कोई दिक्कत? अगर मैं यहां से AE लेता हूं, क्योंकि मुझे यही प्रूफ करना है, तो AE किसके बराबर आएगा, AC के। ये चीज आपकी प्रूफ हो जाएगी जब आप इन दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। ट्रेंगल ADE और ट्रेंगल ABC को जब आप सिमिलर प्रूफ कर देंगे, तब आपको AD अपॉन AB की वैल्यू AE अपॉन AC के बराबर प्रूफ हो जाएगी। और मैंने सिमिलर कैसे प्रूफ किया, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से। तीनों एंगल मैंने बराबर दिखा दिए दो ट्रेंगल के, दोनों का सिमिलैरिटी जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से लिख दिया और अपना प्रोपोर्शनल निकाल लिया। अब देखिए आप, अगर AD मेरा AB का आधा है, तो इसका मतलब मेरा AD अपॉन AB की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। AD अपॉन AB की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 1/2। तो यही 1/2 वैल्यू आपकी किसकी आएगी, AE अपॉन AC की भी आएगी, क्योंकि आपका AD अपॉन AB किसके बराबर है, AE अपॉन AC के। तो अगर मेरा 1/2 AE अपॉन AC के बराबर है, तो 2 AE इक्वल टू AC, 2 AE आपके AC के बराबर हैं। इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब E उसका मिड पॉइंट होगा, तभी तो AE आपका दो बार होगा, तभी तो होगा। इसका मतलब E आपका AC का मिड पॉइंट है, तो आपका AE किसके बराबर आ गया, EC के बराबर। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, देखिए आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी एक थ्योरम बनती है कि अगर आप किसी ट्रेंगल में किसी एक मिड पॉइंट से, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी वाली साइड पे कोई पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो वो दूसरी वाली साइड को भी सेम रेशियो में बांटेगी। ये चीज हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि DE अगर BC के पैरेलल है, तो AD अपॉन DB की वैल्यू AE अपॉन EC के बराबर होगी। और वही चीज हुई, AD और DB बराबर है, तो AE और EC भी बराबर होगा। मैंने आपको उसका थ्योरम दिखा दिया किस तरीके से ये प्रूफ होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। आपको एक ABCD ट्रेपीजियम दे रखा है और आपको प्रूफ करना है कि DO अपॉन OB की वैल्यू आपके OC या CO अपॉन AO के बराबर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, DO कहाँ है, CO कहाँ है। DO ये रहा, CO ये रहा, तो इसका मतलब ये ट्रेंगल DOC में है, और OB और OA आपका ट्रेंगल AOB में है। तो आपको प्रूफ करने के लिए अगर ये चीज रेशियो में पूछ रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है मुझे ट्रेंगल AOB और ट्रेंगल COD को क्या प्रूफ करना होगा, सिमिलर प्रूफ करना होगा। आइए हम देखते हैं कैसे सिमिलर प्रूफ होता है। हमें मालूम है कि ट्रेपीजियम में सामने वाली साइड पैरेलल होती है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। और अगर ये पैरेलल है, तो अगर ये एंगल 1 होगा, तो ये एंगल 1 होगा, अल्टरनेट एंगल्स। और अगर ये एंगल 2 होगा, तो ये एंगल 2 होगा, अल्टरनेट एंगल्स। और ये एंगल 3 होगा, तो ये एंगल 3 होगा आपका क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रेंगल के तीनों एंगल सेम है। अब हम लिख देते हैं इसको कैसे लिखेंगे। अगर मैं ट्रेंगल COD लिख रहा हूं, तो ये किसके सिमिलर होना चाहिए, C आपका किसके बराबर है, A के बराबर। O किसके बराबर है, O के बराबर। और आपका D किसके बराबर है, B के बराबर। तो इसका मतलब आपका प्रूव हो गया कि ट्रेंगल COD और ट्रेंगल AOB क्या है, सिमिलर है। अब अगर ट्रेंगल COD और ट्रेंगल AOB हमारे सिमिलर हैं AAA सिमिलैरिटी से, अगर ट्रेंगल COD और ट्रेंगल AOB सिमिलर हैं हमारे AAA सिमिलैरिटी से, तो हमें निकालना क्या है। अब देखिए आप, अगर मैं यहां से OD ले रहा हूं, तो वहां से मुझे क्या लेना होगा, OB। अगर मैं यहां से OC ले रहा हूं, CO को मैं OC भी बोल सकता हूं, तो यहां से मुझे क्या लेना होगा, OA। कोई दिक्कत?
अब देखिए क्या हमारी ये चीज़ प्रूफ हो रही है, OD अपॉन OB और CO अपॉन OA, इसका मतलब DO और AO इनटू में है, DO और AO इनटू में है, OB और OC इनटू में है, ये आ गई आपकी आंसर। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जहां पे डायगोनल कट करता है ट्रेपीजियम का, वहां पे DO अपॉन OB की वैल्यू CO अपॉन OA के बराबर होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताता हूं मैं कैसे। देखिए आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो आपको एक ट्रेपीजियम बना के दे देगा, ठीक है, और ऐसे इन दोनों को कट करके यहाँ पे ओ लिख देगा, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, और यहाँ पे इसको लिख देगा x+1, इसको लिख देगा x-2, इसको लिख देगा x और इसको लिख देगा x+5, और आपसे बोलेगा x की वैल्यू निकालो अगर ए बी सी डी मेरा ट्रेपीजियम है। तो हमने अभी प्रूफ किया कि सबसे पहले हमें दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, जो आपने देख लिया, तो इसका मतलब आपका ट्रायंगल ए ओ बी किसके सिमिलर प्रूफ होगा, ट्रायंगल सी ओ डी के, ठीक है, क्योंकि ए एंगल आपका सी के बराबर होगा, बी एंगल आपका डी के बराबर होगा और ओ एंगल आपका ओ के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं यहां से आपको क्या मिलेगा, एओ अपॉन ओ सी इक्वल टू, एओ अपॉन ओ सी इक्वल टू BO अपॉन OD। अब आप रख लीजिए AO की वैल्यू कितनी दे रखी है, x+1, OC की वैल्यू कितनी दे रखी है, x-2, BO की वैल्यू कितनी दे रखी है, x, और OD की वैल्यू कितनी दे रखी है, x+5। इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ये क्वेश्चन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं जो आपने अभी यहाँ पे देखे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए आप। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपको P जो है वो BC का मिड पॉइंट दिया है, इसका मतलब आपकी ये लेंथ इसके बराबर है, और Q जो है वो AP का मिड पॉइंट दिया है, इसका मतलब ये लेंथ इसके बराबर है, और आपको प्रूफ करना है कि जो AR की लेंथ है वो AC का 1/3 है, ठीक है। अब 1/3 होना मतलब कि AR की लेंथ 3 भाग होना, और मुझे कहीं कोई पैरेलल लाइन दिख रही है या कुछ भी ऐसा ट्रेंगल दिख रहा है जिससे मेरा ये प्रूव हो सके कि मेरा ये चीज हो जाएगा, नहीं। हमें मालूम है कि मिड पॉइंट थ्योरम या कोई भी थ्योरम जो होती है उसमें हमें एक पैरेलल लाइन मिलनी चाहिए, तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए क्या किया, यहां से इसको जोड़कर यहां पे S लिख दिया और मैंने बोला कि मैंने एक कंस्ट्रक्शन करा है PS पैरेलल टू BR, ये मैंने क्या किया कंस्ट्रक्शन, मैंने PS को BR के पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन मैंने किया। अब जैसे ही मैं PS को PR के कंस्ट्रक्शन करता हूं, तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं पहले ट्रायंगल APS की तरफ। ट्रायंगल APS में अगर किसी मिड पॉइंट से हम कोई लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल खींचते हैं तो ये इन दोनों को भी बराबर भागों में बांटेगी। अगर AQ अपॉन QP की वैल्यू हमारी बराबर है तो AR अपॉन RS की भी वैल्यू बराबर होगी, तो इसका मतलब आप लिखेंगे AQ अपॉन QP इक्वल टू AR अपॉन RS, ये आप लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो चीज मैंने आपको बता दी, ये पैरेलल लाइन है, हमने अभी ही पीछे प्रूफ किया था कि अगर हम किसी ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट से कोई लाइन पैरेलल खींचते हैं दूसरी साइड के, तो वो दूसरी साइड को भी समान रेशियो में बांटेगी। तो अगर AQ Q अगर मेरा AP का मिड पॉइंट है तो R भी मेरा S का मिड पॉइंट होगा। AQ अपॉन QP की वैल्यू अगर बराबर है, क्योंकि AQ और QP बराबर है तो AR और RS भी बराबर होगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा AR इक्वल टू RS, ठीक है, AR इक्वल टू RS, कोई दिक्कत आपको, आगे आइए आप। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि हमें ये दोनों बराबर मिल गई और हमें 1/3 प्रूफ करना है, तो ये और ये बराबर, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होना चाहिए। अगर ये और ये बराबर करना है तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, ट्रायंगल BRC,
देखिए, अगर मैं ट्रेंगल BRC की बात करूं तो मैं इस मिड पॉइंट से, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से एक लाइन पैरेलल खींच रहा हूं इसके, तो इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, जो हम अभी पीछे पढ़े, ठीक है। सिमिलैरिटी से हमें ट्रेंगल PSC और ट्रेंगल BRC हमें सिमिलर मिलेगा, जो हम पीछे पढ़े थे, तो उस माध्यम से हमारा PSC और ट्रेंगल BRC हमारा सिमिलर हो गया। तो इसका मतलब हमारे अगर PC और BP की लेंथ बराबर होगी तो RS और SC की भी लेंथ बराबर होगी। इसका मतलब ट्रेंगल BRC में आप यहां पे लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम आपकी क्या है? इनवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपकी है, आप कोई लाइन पैरेलल खींचते हैं तो वो दूसरे को भी बराबर भागों में बांटेगी। तो यहां से आपको अगर BP अपॉन PC लेते हैं, तो अगर यहां से BP ले रहे हैं तो वहां से क्या लेंगे? RS। और यहां से अगर PC ले रहे हैं तो वहां से क्या लेंगे? SC, क्योंकि मैं ट्रेंगल BRC की बात कर रहा हूं। तो आप देखें कि मेरा अगर BP और PC की लेंथ बराबर है तो मेरे RS और SC की भी लेंथ बराबर होगी। तो यहां से आपको मिल गया RS इक्वल टू SC। तो आप देख रहे हैं कि आपको AR इक्वल टू RS इक्वल टू SC मिल गया। और मुझे मालूम है AR प्लस RS प्लस SC इक्वल टू AC। अब अगर AR RS और SC बराबर हैं तो मैं इसे 3AR लिख सकता हूं। तो 3AR इक्वल टू AC, देयरफॉर AR इक्वल टू 1/3 ऑफ AC। यही आपको प्रूफ करना था। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये वाला सर मिड पॉइंट वाला कैसे हम प्रूफ करें, तो मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिएगा आप इस चीज को। मैंने यहां से ये मिड पॉइंट लिया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, और मुझे ये लाइन पैरेलल दे रखी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर DE लाइन BC के पैरेलल है तो हमारे ये दोनों जो हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से बराबर होते हैं। तो इसका मतलब AD अपॉन DB की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? AE अपॉन EC के बराबर, जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है। लेकिन अगर AD और DB की वैल्यू बराबर है तो AE और EC की भी वैल्यू बराबर होगी। तो यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर को अब हम लोग यहीं पे समेटने की कोशिश करते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, तब हम आगे और बढ़ेंगे। और सिमिलर ट्रायंगल में अभी पाइथागोरस थ्योरम के भी क्वेश्चन बाकी हैं, तो आप कोशिश करिए कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के जो ये मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाए, या जो मैंने आपको ये सब एग्जाम्पल करवाए, इन सारे एग्जाम्पलों को आप एक बार देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद ही आप अगले लेक्चर की तरफ बढ़िएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।